धार्मिक चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग रुद्राक्ष की महिमा के बारे में जानेंगे। रुद्राक्ष समस्त जीवात्माओं के लिए पाप नाशक, पुण्यवर्धक, रोग नाशक, सिद्धिदायक तथा भोग मोक्ष देने वाला है। यह श्वेत, लाल, पीले तथा काले वर्ण वाले एवं 1 से 12 मुखी होते हैं। भगवान शिव के आंसू रुद्राक्ष है, फलप्रद और सर्वसिद्धि कारक। भगवान शिव के रुद्राक्ष जो व्यक्ति पहनता है उससे उन्हें फल की प्राप्ति होती है तथा उसका सभी काम सिद्ध होता है। सृष्टि काल में जब भगवान का अवतार हुआ, प्रकट हुआ, तो उस समय भगवान शिव का रूप अर्धनारीश्वर था। शिव पुराण में शिव शक्ति का सहयोग ही परमात्मा है ऐसा कहा गया है। शिव पुराण में स्पष्ट लिखा गया है कि शिव शक्ति का सहयोग से ही परमात्मा बना है। शिव की जो बाहरी शक्ति है उससे चित्त शक्ति प्रकट होती है, यानी मनुष्य के मन में जो भावना पैदा होता है वह शिव की बाहरी शक्ति के कारण होता है। बाहरी शक्ति से आनंद शक्ति का ही प्रकट होना एक बहुत बड़ा भक्तों के लिए फलदायक है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति कुछ भी करने की प्रकट हुई है। इन्हीं से निवृत्ति और कलाएं उत्पन्न हुई है। चित्त शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु प्रकट हुआ। क्रिया शक्ति से ओंकार की उत्पत्ति हुई और ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर, उकार से इच्छा शक्ति, मोकार से मोह प्रकट हुआ, यानी ओम का उच्चारण हुआ। इस प्रकार ओम की उत्पत्ति हुई। यही प्रणव समस्त सृष्टि का मूल है जिसमें सारी सृष्टि उत्पन्न हुई है। लिंग पुराण के अनुसार अपने भक्तों पर हर क्षण अपनी अनुकंपा बनाए रखने के लिए भगवान शिव ने रुद्राक्ष की उत्पत्ति की। भगवान भोलेनाथ ने एक बार 1000 वर्ष तक समाधि की। समाधि से विचलित होने पर जब उसका मन बाह्य जगत में आया तब उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली। भगवान शिव जब 1000 वर्ष तक तपस्या किए उससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उन्होंने जब बाह्य जगत में यानी मृत्युलोक में जब आया तो उन्होंने अपनी आँखें बंद कर ली। तभी उनके आँखों से आँसू की कुछ बूंद पृथ्वी पर गिरे। इन्हीं आँसुओं से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए और शिव की इच्छा से भक्तों के हित के लिए समग्र संसार में फैल गए। भगवान शिव जब आँख खोले तो उससे जो उत्पन्न वृक्ष हुआ वह वृक्ष था रुद्राक्ष का, और भगवान शिव का पूरे पृथ्वी पर भक्त था इसलिए रुद्राक्ष के वृक्ष लगभग पूरे पृथ्वी पर फैल गए। यह रुद्राक्ष समस्त जीव आत्माओं के लिए पाप नाशक, पुण्यवर्धक, रोग नाशक, सिद्धिदायक तथा भोग मोक्ष देने वाला है। रुद्राक्ष सभी जीवों के लिए, चाहे वह मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, वह उसके लिए पुण्य का काम करता है और रोग को खत्म करता है तथा सभी काम सफल
करता है, भोग मोक्ष देने वाला है। पंडित कैलाश मिश्र ने कहे थे कि रुद्राक्ष श्वेत, लाल, पीले तथा काले वर्ण वाले एवं 1 से 12 मुखी होते हैं, जिसका हम लोग प्रत्यक्ष उदाहरण हरिद्वार में सभी प्रकार के रुद्राक्षों को देख सकते हैं, जिसमें कि श्वेत, लाल, पीले तथा काले रंग का होता है, और यह रुद्राक्ष 1 से 12 मुखी तक का होता है, जिसमें छोटे छोटे रुद्राक्ष होंगे उतना ही अधिक वह फल पद होगा। रुद्राक्ष संताप को दूर करने का, शांति देने का काम करता है। रुद्राक्ष की माला धारण करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। धीरे धीरे सभी काम अपने आप ही सफल होने लगते हैं। विभिन्न अंगों में भिन्न भिन्न संख्या वाले रुद्राक्ष धारण करने से लाभ मिलता है। भगवान शिव का रुद्राक्ष बहुत ही फलदायक है और यह हर एक मनुष्य को पहनना चाहिए।